हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन डायरी। मैं आज मैं आपके लिए एक ऐसा नाश्ता लेके आई हूँ जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इससे भी नाश्ता बना सकते हैं, और बहुत बढ़िया सा ये होता है और बहुत जल्दी बनता है। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो नाश्ता बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे लहिया से। जी हाँ, सही सुना आपने, हम लहिया से नाश्ता बनाएंगे। तो इसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि लहिया से भी नाश्ता बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब लहिया ली है और उसको हम ग्राइंडर में पीस देंगे। तो इसको हम बारीक पीसेंगे। तो चलिए पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लहिया का नाश्ता आपने इससे पहले कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब हमने इसमें एक बेसन डाल दिया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने वेजिटेबल डाली है। तो यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी है, शिमला मिर्च डाल दी है और प्याज डाल दिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ता और मैंने थोड़ा सा करी पत्ता इसमें डाल दिया है, काट के डाला है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। तो इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहीं पे हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल देंगे। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, रिफाइंड या देसी घी, जो भी आप चाहें डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें अच्छे से मिला के इसको एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको करिएगा। तो लहिया जो है पानी थोड़ा सा सूखती भी है तो इसलिए आप डरिएगा नहीं। तो ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको किसी भी शेप में, आप चाहे जैसे, इसको हमें बेसिकली हमें स्टीम करना है तो मैंने ऐसे इस तरह से इसका शेप बना लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम चलिए इसको स्टीम करते हैं। तो ये मैंने नीचे रख दिया ताकि डगमगाए नहीं, और अब हम इसको रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तो 5 से 10 मिनट इसको लगेगा भाप में पकने के लिए। तो ये देखिए, 5 से 10 मिनट के बाद कितना अच्छा सा ये स्टीम हो गया है। और ये देखिए, हम एक चाकू की सहायता से इसको देख लेंगे तो ये बिल्कुल हमारा तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब हम इसको ठंडा करके इसको स्लाइसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से ठंडा हो गया और अब हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए, कितना अच्छे से स्लाइस बन गई है। तो इसी तरह हम सारी अपने पीसेस बना लेंगे और अब हम इसको लेके चलते हैं, फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज जो है रफली ऐसे चॉप करके डाल दी है, आप चाहे तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। और इसको हम थोड़ा सा कलर आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, इसको हमें बहुत नहीं पकाना है, बस गोल्डन ब्राउन होना है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल हरी मिर्च डाल दी है कट करके, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और मैंने 2 से 4 पत्तियाँ करी पत्ते की डाल दी हैं और अब हम इसको देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और इसी समय हम इसमें सेसमी सीड डाल देंगे। तो इसको ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है और लुक भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है और थोड़ा सा बस रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम जितने जो हमने पीसेस बना रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, और ये बहुत जल्दी बनता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और अब हम इसको सारे जो इंग्रेडिएंट्स में डाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर में कितना बढ़िया सा लाल लाल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए, अब हम इसको सर्व करते हैं। और तो देखिए,
कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर पुश करिएगा जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।